265,000 रुपए एक बंदे के अकाउंट से निकाले गए हैं, वो भी सिर्फ इस मैसेज के लिंक पे क्लिक करने के बाद। खत्म। दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये मैसेज आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये मैसेज SBI के नाम से हमें भेजा गया है। बहुत सारे लोगों को ये मैसेज मिल रहे हैं। ये मैसेज एकदम फेक मैसेज है, लेकिन SBI के नाम से हमें भेजे जाते हैं। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ऑनलाइन KYC कर लीजिए, वरना आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ही हुआ है एक शख्स के साथ, एक बंदे के साथ, हमारा ही सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे ये मैसेज फॉरवर्ड किया था, इसलिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ। क्योंकि इस मैसेज के वजह से उनका अब बहुत सारा नुकसान हो गया है, उनके हार्ड मनी उनके बैंक अकाउंट से निकाले गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस मैसेज की सच्चाई, ये मैसेज हमें कैसे भेजा जाता है। लेकिन इस बार स्कैमर ने, फ्रॉड करने वालों ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है, जिससे हमें पता भी नहीं चलता है कि ये मैसेज फेक है या रियल है। तो आज की इस वीडियो में हम इस मैसेज के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 265,000 रुपए एक बंदे के अकाउंट से निकाले गए हैं, वो भी सिर्फ इस मैसेज के लिंक पे क्लिक करने के बाद। तो ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिए। अगर आपके पास भी SBI बैंक का बैंक अकाउंट है, अगला शिकार आप हो सकते हैं, इसलिए ये वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिए, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो चैनल पर अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले हमें कुछ इस टाइप के मैसेज आते थे स्कैमर के, फ्रॉड करने वाले लोगों के, लेकिन उन्होंने तरीका बदल लिया है। उन्होंने अभी डायरेक्ट SBI बैंक नाम से ही उनके मैसेज फॉरवर्ड करने शुरू कर दिए हैं। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो, इस मैसेज में कंप्लीटली लिखा गया है कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है, आप इमीडिएटली उसे स्टार्ट करवा लीजिए, आपका पैन कार्ड यहाँ पे अपडेट कर लीजिए, आपके जो भी KYC डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपडेट कर लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पे एक लिंक भी दी गई है। आपके पास अगर ऐसा कुछ SBI बैंक की तरफ से मैसेज आ गया है, आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे, आपका सारा का सारा डेटा स्कैमर के पास चला जाएगा और तुरंत आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे है, जो भी आपका हार्ड मनी है, वो तुरंत एक झटके में निकाल सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है तो क्रेडिट कार्ड के साथ भी फ्रॉड हो सकता है। इस मैसेज के वजह से एक बंदे के पास से 265,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट से एक झटके में उन्होंने निकाल लिए। यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने एक रियल मैसेज और एक फेक मैसेज दोनों ही आपको डिस्प्ले कर दिए हैं। आप इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे जो रेड टिक है वो फेक मैसेज है और जो ग्रीन में टिक है वो रियल मैसेज है। दोनों ही किसी भी बंदे को ऐसा लगेगा कि ये मैसेज हमें SBI बैंक के तरफ से ही भेजा गया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही मैसेज में हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नज़र आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात फिर से कहना चाहूँगा, कोई भी बैंक हो, सिर्फ SBI बैंक ही नहीं, कोई भी छोटा बैंक, बड़ा बैंक, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, कोई भी बैंक हमें ऑनलाइन KYC करने के लिए नहीं कहता है। जो बंदे के साथ ये घटना घट चुकी है, उनके 265,000 रुपये उनके अकाउंट से निकाले गए हैं। उनका नाम मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, उन्होंने मुझे मना किया है उनका नाम लेने से, इसलिए मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लूँगा। लेकिन ये रियल में हो गया है, उनके बैंक अकाउंट से 265,000 रुपये इस मैसेज के वजह से निकाले गए हैं। स्कैमर लोगों ने यहाँ पे उनको एकदम बड़ा फ्रॉड उनके साथ कर दिया है। उन्होंने जैसे ही इस मैसेज के लिंक पे क्लिक कर दिया KYC करने के लिए, उनके सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने वहाँ पे एक एक करके अपलोड कर दिए। उसके बाद उनके बैंक अकाउंट से अमाउंट निकलनी शुरू हो गई। अगर आपके पास भी कुछ SBI बैंक के तरफ से ऐसा मैसेज भेजा जाता है ऑनलाइन KYC करने के नाम पे, या आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो आप उसमें उस मैसेज को परमानेंटली डिलीट कर दें। आप उस लिंक पे बिल्कुल क्लिक मत करिए,
यहाँ पे आप एक रियल मैसेज देख सकते हो। यहाँ पे हमें साफ साफ बैंक ने बताया है कि अगर आपके पास कोई भी फ्रॉडलेंस कॉल आती है या मैसेजेस आता है या आपको कोई भी ऑनलाइन केवाईसी करने के लिए लिंक मिलती है तो ऐसे में आप उस लिंक को ओपन ना करें।